सलकनपुर मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। इस मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। इधर इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मंदिर समिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने सलकनपुर चौकी में राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि सलकनपुर मंदिर में हुई चोरी की जाँच सीबीआई को सौंपी जाए। ज्ञापन में मंदिर प्रबंधन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने ज्ञापन में मंदिर परिसर में कराए जा रहे विकास कार्यों में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। मांग की है कि ये चोरी छोटी नहीं है, ना 6 बोरी की है, ना 2 बोरी की है, ये करोड़ों करोड़ों रुपए की है। ये चोरी को छोटा ना माना जाए। और 3 महीने से जब समिति ने बैंक में पैसा जमा नहीं किया और ये कहना कि साहब ये 1 बोरी में 20-30 हज़ार रुपये आते थे और 6 बोरी गई और 1 बोरी वहाँ जंगल में मिल गई, एक हमारी रोपवे के पास में मिल गई, ये सब बातें हमारे गले नहीं उतर रही थी। इसलिए हमने कहा है कि इस चोरी को छोटा ना माना जाए। करोड़ों करोड़ों रुपये सोना चांदी इस सब में चोरी गए हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप 3 महीने से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एक साधारण कमरे को आप स्ट्रांग रूम बोल रहे हैं, तो इसमें इस शंकाओं से भी हम लोग अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि सबको जानकारी में था कि 3 महीने से पैसे यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इसमें प्रबंधन के ऊपर भी बहुत सारी सुइयां यहाँ पर उजागर हो रही है, उनकी तरफ जा रही है।